अपने दो दिन के दौरे पर रूस पहुंचे पीएम मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। पीएम ने कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मॉस्को पर हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हम उस दर्द को समझते हैं। भारत 40 साल से आतंकवाद को झेल रहा है। दूसरी ओर पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। सुनिए पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने किस तरह से यूक्रेन और आतंकवाद का मुद्दा उठाया। एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे, कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था, और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडिया निकले, एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासीबाद।